हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी ब्रेड रोल। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। इस रेसिपी के लिए लिए है हमने नॉर्मल ब्रेड। आप कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल ब्रेड। इसके लिए ब्राउन ब्रेड आप ना यूज़ करें तो बेटर होगा। इसके लिए हमने आलू मैश करके रखे हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स का हम यूज़ करेंगे। ये है बारीक पिसा हुआ धनिया, ये है हरी मिर्च, ये है हरा धनिया, ये हमने अनियन चॉप करके रखे हैं, ये है लाल मिर्च पाउडर, हमने लिया है नमक और थोड़ा गरम मसाला। हमने अब सबसे पहले ब्रेड्स को कट करके रखना है, इनकी साइड्स को। हमने इसको काटने के लिए यूज़ किया है मैंने सीज़र किया सीज़र का। आप और चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सीज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी सीज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके घर में जो भी अवेलेबल हो। अब हम इसको बहुत ही ध्यान से चॉप करके रख लेंगे, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये रेसिपी मेरी अपनी है। तो आपने इसको ट्राई करके शेयर करनी है और मेरे साथ इसको ट्राई करना है। फिर आप ये रेसिपी ट्राई करके मुझे अपनी अपना जो टेस्टी लगी आपको, तो आप मुझे लाइक कमेंट और शेयर करके बताएंगे। अब हमने देखो सारे ब्रेड्स को अच्छे से कट कर लिया है। अब हम जो है अपना मिक्स तैयार करेंगे। मैंने सबसे पहले डाला है स्वाद अनुसार नमक, फिर हम डालेंगे रेड चिली 1 छोटा चम्मच। मैंने ज़्यादा मिर्च का यूज़ नहीं किया रेड चिलीज का। इसके बाद मैंने डाला है थोड़ा पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, 1 टेबल से थोड़ा ही कम। फिर मैंने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला और मैंने हरी मिर्च डाली है। हमारे घर में स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, तो मैं सारी मिर्च ही डालने वाली हूँ इसमें। तो ये मैंने अनियंस का यूज़ किया है जो हमने बारीक काट कर रखे थे। इन सबको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने हरी मिर्च एक्स्ट्रा और भी डाल दी, क्योंकि हमारे घर में स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। और मैंने फिर इसमें हरा धनिया डाल दिया जो मैंने फाइनली चॉप करके रखा था, बहुत ही सीजर के साथ ही काट लिया था मैंने इसको भी, क्योंकि बहुत ही फाइन कटता है उसके साथ। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया और ऐड कर लिया है। अब हमने इसको मिक्स करके, सारा मिक्स हमने तैयार कर लिया है, मिक्स करके इसको रख लिया है। चलिए अब हम ब्रेड्स तैयार करते हैं। हमने क्या करना है, इनको थोड़ा सा पानी में डिप करना है, बहुत थोड़ा सा। फिर अपने दोनों हाथों के बीच में रख के प्रेस करना है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। फिर हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से प्रेस करके इसके चारों कोनों को अच्छे से प्रेस कर लेंगे हम, ताकि पानी इसमें ना रहे, नहीं तो ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। अब हम इसमें रखेंगे अपना मिक्स। तो आपको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत जितना मिक्स आपको रखना है उतना आप रख लें। अब इसके दोनों तरफ से इसको फोल्ड करें। अब हमने क्या करना, कोई गैप नहीं छोड़ना। अगर हम गैप छोड़ेंगे तो वो फ्राई करते टाइम वो खुल जाएगा और सारा जो हमने मिक्स डाला है वो सारा बाहर आ जाएगा। तो इसको अच्छे से प्रेस करके, इसको अच्छी सी शेप में बना के इसको हम अपना तैयार करके रख लेते हैं। तो मैंने ऐसे सभी को पहले एक बार तैयार करके रख लिया सभी ब्रेड रोल को, फिर मैंने उसको फ्राई किया है। तो अब हम ऐसे करके इन सबको रख लेंगे। तो मैंने इनको अच्छे से दबा के, अब हम सबसे अच्छी टिप्स है कि आपको ये दबा के अच्छे से रखना है और उसके कॉर्नर्स को आपस में मैच करना है, ताकि कोई भी गैप ना रहे। गैप रहेगा तो ये बाहर निकल जाएगा सारा मिक्स। तो आपको बहुत अच्छे से इसको बना के रख लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी को रोल बना के रख लिए। मैंने कुछ ब्राउन के भी बनाए हैं और कुछ वाइट के भी। तो अब आप देखेंगे, मैंने कढ़ाई में जो तेल है उसको मीडियम फ्लेम तक गर्म कर लिया। इसको हाई फ्लेम पे गर्म नहीं करना, नहीं तो इसका अंदर का जो हमने फिलिंग डाली है वो बहुत अच्छे से पकेगी नहीं, वो सिर्फ बाहर से ही पक जाएगा। इसके बाद है कि हमने इसको तब तक पकाना है जब तक इसके बबल्स जो हैं वो आना बंद नहीं हो जाते, या फिर बहुत ही कम नहीं हो जाते। आप एक साथ 2-3 भी डाल सकते हैं इसमें। इसके बाद क्या है कि हमने इसको बहुत अच्छे से हिलाते रहना है जल्दी जल्दी, ताकि ये जले ना।
हम इसको बहुत ही मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे जिससे क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से पक जाएंगे। इनको हमने मतलब मिक्स कर देना है अच्छे से, इनको हिलाते रहना है। और फिर हमने क्या क्या करेंगे कि इसको बहुत अच्छे से करते रहेंगे, कंटिन्यूसली इसको हिलाते रहें आप। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक आपने पकाना है, ये गोल्डन ब्राउन होने तक। फिर इसके बाद नहीं तो जल जाएंगे आप इनको ज़्यादा समय तक इसमें रखेंगे तो। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से पक गए हैं, ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ऐसे ही हमने इनको इसी स्टेज तक पकाना है, बस इससे ज़्यादा पकाएंगे तो ये जल जाएंगे। हम गैस को सिम कर देंगे जिससे ये ज़्यादा तेज आंच में नहीं बनेंगे। हमने इसको मीडियम फ्लेम पर ही बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारे बन गए हैं सभी। आप देखो ये कितना क्रिस्पी है, बहुत क्रिस्पी है ये। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होने की वजह से आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा ये। इसके बाद है, हमने किसी भी चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, सॉस का। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी। ये देखो, मैंने आपको एक दूसरा सॉस तोड़ दिखाया। ले।